Assalamu alaikum, it's me Ambin Kashif. Welcome back my new video. I hope you are doing well. बहुत प्यारा सा वलीमा स्मोकी ब्राइडल लुक क्रिएट किया है. आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. मेरी एफर्ट्स पसंद आती हूँ तो जल्दी से पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली अच्छी वाली वीडियो आपसे मिस ना हो. ये बहुत प्यारा सा लुक है आपके सामने. देखिए मेरी मॉडल कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं. तो ये खूबसूरत सा लुक आपको अगर सीखना है बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये दी ब्यूटीफुल सा लुक आपको क्रिएट करना बताऊंगी, वो भी अपने अपने घर में. तो चलें सबसे पहले तो आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिएगा क्योंकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए. मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं. मेकअप विद अमरीन के नाम से मेरा इंस्टा का पेज है. इतने प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल लुक आपको वहाँ भी देखने को मिलेंगे. तो चलें करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट. सबसे पहले मैंने अपने मॉडल के चेहरे को कर लिया था प्राइमर और ताकि टाइम सेव हो सके. अब हम करते हैं अपने मॉडल की आईब्रोज को शेपअप. आईब्रो को शेपअप करने के लिए एज़ यूजुअल मैं सिलिस ब्यूटी का ब्राउन केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ. बहुत हाई पिगमेंटेड ये इनका लाइनर है एज लाइक अ काशीज. तो काशीज़ का लाइनर तो आपको बहुत महंगा पड़ता है बट ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है क्योंकि काशीज़ का लाइनर हर काशीज़ के प्रोडक्ट हर बंदा बाय नहीं कर सकता. तो आप ये प्रोडक्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा. ये काशीज़ के प्रोडक्ट की तरह ही आपको लुक देगी बट बहुत कम पैसों में. तो चलें हम मैं अपने मॉडल के आई बेस रेडी कर लेती हूँ. मैं इनका आई बेस रेडी कर रही हूँ कंसीलर की मदद से. मिस रोज का कंसीलर है वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में. मैं आपको जितना भी मेकअप सिखाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे मेकअप यूज़ करूँ जो कि आप आसानी से कम पैसों में ख़रीद सकें. आई बेस हो गया है रेडी. अब मैंने लिया है सिलिस ब्यूटी का ब्लैक लाइनर. ब्लैक लाइनर से मैं आई बॉल पे इसको ब्लैक लाइनर लगा रही हूँ क्योंकि मैं स्मोकी आईज मेकअप कर रही हूँ तो मैं पूरी आईलेट पे ये ब्लैक लाइनर लगा दूंगी. अब मैं बोथ साइड पे लाइनर लगा दिया. अब क्रिस्टीन के पैलेट से कंटूरिंग पैलेट से मैं ब्रॉन्शियर उठाऊंगी और इसको इससे ब्लेंड करते हुए मैं अपनी सॉकेट लाइन पे लेके जाऊंगी. अब दो बोथ साइड पे मैं ये अप्लाई कर चुकी हूँ. अब मैं अपने कलर बोर्ड के पैलेट से पिच शेड उठाऊंगी और उसको इसके साथ ब्लेंड करती हुई अपर साइड पे लेके जाऊंगी. मैं बिल्कुल मैट जो स्मोकी मेकअप है वो कर रही हूँ. इसमें मैं कोई शिमर यूज़ नहीं कर रही हूँ कि शिमर के साथ मेकअप करना आसान होता है बट जो ब्लेंडिंग मेकअप है जो स्मोकी क्लासी मेकअप है वो करना बहुत मुश्किल होता है. तो वो मेकअप मैं यूज़ कर रही हूँ. फेसेट के पैलेट से मैं अपना ब्लैक शेड उठाऊंगी और उसको अपने आईलेट पे अप्लाई कर दूंगी थोड़ा सा डार्कर सा लुक देने के लिए. अब मैं करती हूँ अपने मॉडल का बेस रेडी. सिलिस ब्यूटी का बेस है और ये 45 बेस है. मैं हमेशा सिलिस ब्यूटी की प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ क्योंकि वो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको हाई क्वालिटी प्रोवाइड करती है. बेस 45 एक्वा में इनके फेस पर यूज़ कर रही हूँ और इसको वेट अपनी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से इनके फेस पर कर दूँगी ब्लेंडिंग. इनका एक्वा बेस और इनका क्रीमी बेस बहुत ज़बरदस्त है. आप इनके बेस को ट्राई कर सकते हैं. मेरे डिस्क्रिप्शन पे नंबर मिल जाएगा आपको. अब करते हैं अपने मॉडल के इनर कॉर्नर पे काम. सिलिस ब्यूटी का ही मखमली वो सिल्वर शेड है उसको इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ. अब लेती हूँ ब्लैक. मैं ग्लैमर्स के पैलेट से ब्लैक शेड लूँगी और अपने आइज़ के हाफ आइज़ पे इसको लगा दूंगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. अब ले रही हूँ ब्राउन शेड और उस ब्राउन शेड को इसके साथ अच्छे से ब्लेंडिंग कर दूंगी. ब्लेंडिंग हमेशा अच्छे कीजिए क्योंकि आइज़ मेकअप जब भी ब्यूटीफुल दिखेगा. अब कर रहे हैं काजल अप्लाई क्योंकि हम कर रहे हैं स्मोकी क्लासी आई मेकअप. तो हम इसको काजल अप्लाई कर देंगे. बहुत ज़बरदस्त ही क्लासी आपको मेरी ब्राइट दिखेगी. अब मैं ले रही हूँ ब्लैक इनका जो है लाइनर लगाऊंगी हाफ आइस पर. मैं ब्लेंड कर दूंगी कॉर्नर्स को इसके साथ. बहुत ज़बरदस्त ब्लेंडिंग सा लाइनर लगाऊंगी क्योंकि लाइनर दिखेगा नहीं बट ब्लेंडिंग बहुत ज़बरदस्त सी होगी. लुक कितना प्यारा दिख रहा है. अब मैं करती हूँ लैशेस अप्लाई. मॉडल के लैशेस लगा रही हूँ फिट मी की लैशेस हैं. अब करती हूँ अपने मॉडल के चेहरे को कंट्रोल. फेस किट की जो कंट्रोलिंग किट है उससे जो मैं अपने मॉडल के चेहरे को कर लूँगी कंट्रोल. इनका चेहरा काफ़ी चबी है और ब्राउड है बट कंट्रोलिंग करने के बाद बहुत ज़बरदस्त से कंट्रोल. अगर कंट्रोलिंग आप बहुत अच्छी से करेंगे तो बहुत अच्छा सा लुक आ जाता है. अब हम करते हैं इनको ब्लैश ऑन अप्लाई. सिलिस ब्यूटी का ही ब्लैश ऑन है पिच ब्लैश ऑन है वो मैं कर रही हूँ अप्लाई. इनके ब्लैश ऑन्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं. इनकी एवरीथिंग हर चीज़ ज़बरदस्त है. मैं ज़्यादातर इनकी चीज़ें यूज़ करती हूँ क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस में होती हैं
और लुक देखें, इनका हाइलाइटर देखिए आप कितनी हाईली पिगमेंट देता है इनका, बिल्कुल काशिस के जैसे। तो काशिस का अगर आप बाय नहीं कर सकते हैं, आप सीलिस ब्यूटी का आप हाइलाइटर बाय कीजिए और सेम वैसे ही रिजल्ट पाइए। अब हम करते हैं मस्कारा अप्लाई। बॉब का मस्कारा है बहुत ही ज़बरदस्त लॉन्ग लास्टिंग। तो अब हम करते हैं लिपस्टिक अप्लाई। पिच लिपस्टिक है क्योंकि मेरी मॉडल का जो ड्रेस का कलर है वो ग्रे एंड पिच है, तो हम पिच लिपस्टिक देते हैं क्योंकि स्मोकी आईज डार्क कर दी थी मैंने, तो लिपस्टिक बिल्कुल न्यूट दे रही हूँ। अब हमेशा इस कॉम्बिनेशन का ज़रूर ख्याल रखा करें कि अगर हमारा आईज मेकअप शार्प होता है तो लिपस्टिक लाइट लेते हैं। तो लीजिए मेरे मॉडल का कंप्लीट मेकओवर। वाओ, देखिए मेरी मॉडल कितनी क्लासी ब्राइट लग रही है, स्मोकी ब्लैक क्लासी मेकअप किया है। अगर आपको मेरा मेकअप पसंद आता हो, मेरी वीडियो पसंद आती हो, मेरे एफर्ट्स पसंद आते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी मेहनत वसूल कर देते हैं, हमारी वीडियो को थोड़ा सा बूस्टअप मिल जाता है। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक किया करें, ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि इससे कोई पैसे तो लगते नहीं हैं आपके, बट हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। और सीलिस ब्यूटी की प्रोडक्ट बाय करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर है, आप उनके नंबर को डायल कर सकते हैं, मुझे भी इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं इनकी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है इनकी प्रोडक्ट, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। तो जाइए इनके पेज पर, विजिट कीजिए और प्रोडक्ट वो बाय कीजिए।